हाय, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब एंड वेलकम बैक टू द जॉब समाचार चैनल। जैसे मैंने अपने क्लास टू वीडियोस में कहा था कि मैं आपके लिए ये पूरे ही 10 to 15 डेज सारे ही जॉब अपडेट्स लाने वाली हूँ, क्योंकि अभी के अभी सब मास रिक्रूट्स होंगे, प्लेसमेंट सीजन है और हर कंपनी को अपने बेस्ट शॉट चाहिए अपने कंपनी में रिक्रूट करने के लिए। एंड आई नो प्लेसमेंट सीजन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कैसे रिक्रूट किया जाए नो आइडिया। तो अगर आप एक ऐसे चैनल को ढूंढ रहे थे जहाँ पे ये सारे ही प्रोसेसेस, रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन सब आसानी से एक्सप्लेन किया जाए सिर्फ एक ही वीडियो में, तो आप एकदम सही वेबसाइट और सही चैनल पे आए हैं। तो इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और उनके इंटरव्यू राउंड्स में पास कर जाते हैं, और आपके क्वेश्चंस और आंसर्स जो भी होंगे उसे शेयर करें, ताकि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उनको भी इससे ज़्यादा एडवांटेज मिल सके, ताकि वो भी अपने इंटरव्यू प्रोसेस के लिए शेयर कर सके। तो चलिए देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। तो आज स्पाइसजेट एयरलाइंस के कैबिन क्रू का जो रिक्रूट है, मैं उसके डिटेल्स लेके आई हूँ। उन्हें सिर्फ फ्रेशर्स चाहिए, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो अगर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रैवल करना है, जहाँ पे आपको ज़्यादा टेक्निकल इनफॉर्मेलिटीज़ में घुसना नहीं है, बस अपना जो टाइम है उसे एन्जॉय करना है, अपने जॉब को एन्जॉय करना है, और या फिर आप एक बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं कि आपको इस प्रोफेशन में, एयरलाइंस के प्रोफेशन में घुसना है, नॉट थ्रू फर्स्ट ऑफिसर्स या पायलट, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप जाएंगे डायरेक्टली स्पाइसजेट के करियर के वेबसाइट पे, कोई भी और वेबसाइट से मत जाए, क्योंकि ऐसे चीज़ों में इट्स बेटर अगर आप उसी के साइट से अप्लाई करें। तो इनका जो जून और जुलाई का कैलेंडर था कैबिन क्रू के रिक्रूटमेंट्स के लिए, वो ऑलमोस्ट फिनिश होने आई है। ये जो भी टाइमिंग्स और वेन्यूज है, ये ऑफ ड्राइव है, तो आपको वहाँ पर जाके इसका इंटरव्यू देना पड़ेगा। जुलाई का 27th जुलाई का डेट अभी भी खुला है, अगर आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। और अगस्त के कैलेंडर में 3rd, 10th, 17th, 24th और 31st अगस्त, ये सारे ही डेट्स खुले हैं, और आप 10 AM से लेकर 2 PM के बीच में स्पाइस स्टार अकेडमी, जो उनके सेक्टर 18 गुड़गांव में है, वहाँ पे जाके आप इस चीज़ के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। तो अगर आप गुड़गांव के हैं तो आपके लिए, या फिर कहीं आजू बाजू रहते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी आपको वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। अगर आप कई और स्टेट्स या सिटीज से हैं बट आपको बहुत मन है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप जाए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे डेट्स फ्रेश रिक्रूटर्स के लिए बहुत कम बार आती है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब 10th+2, तो 12th क्लास तक आपको पास रहना कंपल्सरी है। अगर आपके अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, क्योंकि 10th के रिजल्ट आ चुके हैं, 12th के नहीं आए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाके जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे तब आपको उनको वो रिजल्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जो नेशनैलिटी है आपकी इंडियन होनी चाहिए, मिनिमम एज 17 years 9 months, टिल 27 years का होना ज़रूरी है। सो 17 to 27 के बीच में अगर आप है तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ नेसेसरी बिकॉज 17 years तक ही आपका 12th क्लास पास हो सकता है। जो गर्ल्स इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रही होगी उनकी एक मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है, विच इज़ 155 centimeters, और बॉयज़ का 173, एंड वेट इन प्रपोर्शन टू द हाइट होना चाहिए। आपका जो स्केल होना चाहिए वो एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज है, आपको हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए। अगर आपको कोई और लैंग्वेजेस आती है तो बहुत बढ़िया, बट हिंदी बिकॉज वो अपनी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश रिक्वायर होता है एयरलाइंस में ट्रैवल करने के लिए, तो आपको ये लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपका जो अपियरेंस है, आपके पास नो टैटूज, मार्क्स, स्कार्स, ब्लेमिशेज ऑन एनी विजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब आपके जो पार्ट्स विजिबल होंगे वहाँ पे ये टैटूज वो सब अलाउड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही फॉर्मल चीज़ है और आप ये सब चीज़ें अपने बॉडी पे नहीं रख सकते अगर आपको ऐसे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो आपका रिकॉग्निशन बोर्ड से 10+2 का सर्टिफिकेट रहना ही चाहिए, वरना आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आप अगर ये डॉक्यूमेंट्स टाइम पे सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट भी कर दिया होगा तो भी उसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, उसे इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। तो इसके अलावा एक इनका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जो एरो मेडिकल सेंटर प्रोवाइड करता है, तो आपको उसमें क्लास 2 टेस्ट क्लियर करनी होगी, क्योंकि अगर आप मेडिकली फिट नहीं है इस रोल के लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप पूरे टाइम ट्रैवल करते रहेंगे और अगर आपके पास कोई मेजर हेल्थ कंडीशंस है देन इट वोंट बी सेफ फॉर यू टू ट्रैवल एज अ कैबिन क्रू।
तो अगर आप इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं और अगर आप इन चीजों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन लोगों ने यहाँ पे एक लिंक अप्लाई की है। आप डायरेक्टली उस लिंक को जाके खोल सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप सीधा एडमिशन जो इनका ओपन है उसमें डायरेक्टली अपने जीमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो इन लोग ने अपना मेल आईडी और फोन नंबर भी दिया है, तो आप उसके थ्रू भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिजल्ट्स का प्रॉब्लम हो या मेडिकल इश्यूज के कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उन सारे लोगों के साथ शेयर करें जो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे जहाँ पे उनको ट्रैवल करना है, लोगों से मिलना है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करना है। तब तक के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज के साथ, क्योंकि अगर आपके दोस्तों के पास डिग्रीज, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ईमेल आईडीज, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो तो क्या हो गया। आपके पास जॉब अपडेट्स के लिए जॉब समाचार चैनल है। अंटिल देन, बाय।